हाई एवरीवन, टुडे आई स्टार्ट पॉलीनोमियल पार्ट 16। इस पार्ट में हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्या है। लेट R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलीनोमियल x³ + 2x² - 5ax - 7 एंड x³ + ax² - 12x + 6 आर डिवाइडेड बाई x+1 एंड x-2 रेस्पेक्टिवली। यानी इन इसको इसे डिवाइड, इसको इसे डिवाइड करेंगे। इफ़ 2R1 + R2 = 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू निकालनी है ना। देखो लेट कर लेते हैं अपन। लेट px = x³ + 2x² - 5ax - 7 qx क्या हो जाएगा पॉलीनोमियल x³ + ax² - 12x + 6। ठीक है। अब देखो बाय रिमाइंडर थ्योरम से R1 = p-1 कैसे x+1 = 0 x = -1 हो जाएगा। तो अपनी इक्वेशन क्या थी ये, तो -1 = -1³ - 2 × -1² - 5 × a - 1 - 7। ठीक है। तो देखो -1³ - 1² = 1 2 बच गया। इवन में है तो प्लस आ गया, ओड में होती तो माइनस आता। -1 + 5a - 7 तो कितना हो जाएगा 5a + 2 - 8 तो कितना हो जाएगा 5a + −−6। ये R1 की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? R1 की वैल्यू आ गई। इस तरह से ही हम R2 की वैल्यू निकालेंगे। R2 = क्या है q ऑफ 2 क्यों x-2 = 0 x = 2। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी। ठीक है। तो 2³ + a × 2² - 12 × 2 + 6 2³ = 8 + a × 2² = 4 − 12 × 24 + 6। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4a - 24 और 8 और 6 14। तो 4a - 10 किसकी वैल्यू आ जाएगी? R2 की हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था अपन को, देखो 2R1 + R2 = 6 दे रखा था, है ना। तो R1 की वैल्यू क्या थी, 2 × R1 कितना था 5a - 6 था अपना आया था, है ना। प्लस R2 कितना आया था अपना 4a - 6 = 6। तो 2 × 5 = 10a - 2 × 6 = 12 + 4a - 6 = 6। 10 में से 4 गए तो कितने बच गए, 10 और 4 = 14a - 12 और 6 = 18 2 × 6 = 12। ठीक है। और अपने पास प्लस था, है ना, फॉर्मूला क्या था प्लस का था। तो देखो 2 × 10a = 2 × 12 + 4a - 6 - 6 नहीं सॉरी 10 क्या था 10 था ये सॉरी। तो कितना 10 10 और 4 14a और −−−22 = 6 हो जाएगा। तो 14a = 6 + 22 तो 14a = 28 हो जाएगा। तो 14 × 2 = 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इस तरह से हम इसका a की वैल्यू निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।